ओम साई राम नमस्कार। तो बाबा की नगरी में बाबा के प्यारे प्यारे भक्तों के खूबसूरत खूबसूरत ऐसे अनुभव जो आप सोच भी नहीं सकते। बाबा अपने भक्तों को असीम प्रेम देते, उनको आशीर्वाद देते। जो भक्त बाबा की शरण में जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। तो आज हम एक साई भक्त से मिल रहे हैं। ओम साई राम। साई राम। ओम साई राम। मैं यूपी चित्रकूट से हूँ और मैं सबसे पहले तो द्वारका माई बाबा को प्रणाम करती हूँ कि मुझे आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। और ये मैं 2019 से आपसे जुड़ी हूँ। जब क्या कहते हैं, मेरे भाई को मतलब कुछ बीमारी हो गई थी, टीबी हो गई थी उसको, तो मैंने आपका चैनल ऐसे मोबाइल में देखते देखते, मैं बाबा से तो बहुत दिन से जुड़ी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बाबा कैसे होते हैं, उनकी पूजा कैसी होती है, मुझे कुछ अनुभव नहीं था। बस मैं ये जानती थी कि साईं बाबा हैं। मेरे यहाँ बाबा की मूर्ति भी थी पर हम इतना नहीं जानते थे कि उनका कैसे श्रृंगार किया जाता, कैसे भोग लगाया जाता। फिर जब मैं आपके चैनल से जुड़ी 2019 से, तो उसमें मैंने देखा कि आप उसमें 9 दिए का एक्सपीरियंस बताया आपने, 11 दीपक भी जलाने के लिए बताया आपने, 40 दिए हाँ, और आपने सबसे ज़्यादा महाप्राण के लिए मुझे बताया। जो मैंने आपको, जब मेरे भाई की तबीयत खराब हुई तो मैंने आपको कॉल किया, आपने रिसीव किया, मैंने कहा दीदी मुझे मैंने सबसे पहले पूछा आप कहाँ हैं, तो आपने कहा मैं शिरडी में हूँ। तो मैंने आपसे कहा दीदी मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मेरे भाई के लिए आप प्रे करिएगा। तो आपने बोला कि मैं लाइन में लगी हूँ यहीं पे बाबा के, द्वारका माई के पास हूँ, मैं ज़रूर तुम्हारे भाई के लिए प्रे करूँगी। तो जब ऐसी बात आई तो फिर मैंने कहा दीदी मुझे भी सच्चरित चाहिए। तो आपने बोला कि ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा एड्रेस और मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। उस समय आप सच्चरित बांटा करती थी, आज भी बांटा करती हूँ। हाँ हाँ, साईं राम जी, साईं राम जी। फिर कोई बात नहीं, फिर जब ऐसा हुआ तो कुछ दिन बाद क्या कहते हैं, मुझे ये आया कि आपने बताया था कि 9 दीपक जलाने से सारे कष्ट आपके मिट जाते हैं। मैंने 9 दिन दीपक जलाए, अपने भाई को मैंने उदी भेजी, मैंने कहा ये उदी लगाना और ठीक हो जाओगे। जैसे एक अचानक से मेरे भाई की, मतलब कहते हैं ना जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, ऐसा उसका जब दिन आया तो मतलब इतना गंभीर हालत हो गई थी आपके भाई की। क्या एज थी उसकी? वही मुश्किल से 22 साल का था। और कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मैं, हम लोग यही चित्रकूट में रहते थे। अच्छा अच्छा। तो मम्मी हमारी गई थी उस समय दिल्ली भाई के पास, भाभी भी थी मेरी, उसकी उसका एक बेटा और एक बेटी थी। अच्छा। बेटी सिर्फ 1 महीने की थी। तो हम यही सोचते थे कि बाबा बताओ हमारे क्या कहते, कोई नहीं है, हम तो आपके भरोसे हैं, मेरे भाई को ठीक करना सिर्फ आपके हाथ पे है। मैं बाबा का हाथ नहीं छोड़ी और भरोसा इतना तगड़ा था कि मेरे भाई को बाबा ठीक करेंगे। मेरे भाई को सुबह 4 बजे क्या कहते बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो उसकी उठने की क्षमता नहीं थी कि मैं किसी को बुला लूं, लेकिन जब उसको अंदर से लगा कि मैं, मेरी बहन ने मुझे क्या कहते वो भेजी है उदी, मैं उस उदी को पी लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसके अंदर भी ये विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। इतनी क्रिटिकल हालत हाँ, इतनी वो उठा, उसने अपनी बीबी को सोचा कि मैं जगा दूं पर वहां नहीं गए, उसने उदी को उठाया पानी में घोला और वो दिन है आज का दिन, मेरे भाई ने जिंदगी पाली, मेरे बाबा गए उनको, मेरे भाई को बचा लिया। आज वो बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है वो। क्या बात है, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बाबा ऐसे ऐसे अनुभव करते, ये बात है 2019 महापरायण से जुड़ने के बाद आपको जो है एक्सपीरियंस हुआ, बाबा ने बहुत आपको साक्षात्कार दिखाया जी। अभी एक और, अभी जस्ट ही क्या कहते महीने 2 महीने की बात बता रही हूँ, मेरे मामा जी, सिर्फ एक ही मेरे मामा है, उनकी भी बहुत तबीयत खराब थी। मेरी मम्मी दिल्ली में थी और उनको क्या कहते हैं सांस की बीमारी हो गई थी, तो वो सांस लेने में, ये बात कब की है, रिसेंटली है, ये रिसेंटली है, मुझे लग रहा है फरवरी मार्च की है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस तो मम्मी हमारी वहीं थी, तो हमने कहा कि मम्मी परेशान मत हो, मामा, मम्मी हमारी रो रही थी, फ़ोन किया कि मामा की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, सीरियस है, तो आप ऐसा करो कि आप बाबा से प्रे करो। तो मैंने कहा ठीक है,
वो उस समय क्या कहते हैं अंबेडकर हॉस्पिटल है दिल्ली में, अच्छा, वहीं पे एडमिट थे। उसके बाद हम लोगों ने अपनी ये छोटी सिस्टर है मेरी, मैंने इससे कहा, मैंने कहा तुम प्रेयर करो बाबा से, सिर्फ ये कहो कि बाबा हमको नहीं पता कि वो कैसे ठीक होंगे, सिर्फ आप ही डॉक्टर बन के जाइए और उनको बचाइए। तो हमारे घर में नानी लोग सब लोग बहुत परेशान थी, खूब रो रही थी। इसने पारायण चालू किया, उनके बेटे का फ़ोन आया कि मेरे पापा को डॉक्टर ने बोल दिया है कि बस ये 2-4 सेकेंड के हैं। ओहो, हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया कि एक्सपायर हो चुके हैं। और संडे, अच्छा, का दिन पड़ गया कि एक भी डॉक्टर भी नहीं था। वो जो वहाँ के इंचार्ज जो देते हैं, वो कंपाउंडर वगैरह होते हैं, उन्होंने बोल दिया था कि ये इनकी डेथ हो चुकी है। तो दीदी, उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि एक अचानक से एक डॉक्टर आए और उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया कि मेरे मामा जी की प्राण उसी तरह शरीर में आ गए। वो दिन और आज के दिन, जो मेरे मामा क्या कहते हैं ऑक्सीजन में रहते थे, हमेशा उनके सिलेंडर लगा रहता था ऑक्सीजन वाला, आज वो बिना क्या कहते हैं ऑक्सीजन के हैं, वो भी मतलब बाबा आज के वो चल फिर रहे, चल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ। क्या कर रहे हैं मामा जी आपके इस वक्त? मामा जी हमारे घर में ही रहते हैं, कुछ नहीं है, मामी एक्सपायर हो चुकी हैं, उनके बच्चे की शादी हुई थी पिछले साल, अभी उसका एक बेटा हुआ है, यहीं की मन्नत है उसकी भी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे एक्सपीरियंस बाबा ने मेरे साथ किए हैं, मैं जितना भी बताऊं उतना भी कम है। और आपके बारे में जब मुझे ये पता चला कि आप गिव अवे भी करवाती हैं, तो मैं मैं मोबाइल चला रही थी, मुझे पता नहीं था कि ये गिव अवे होता क्या है। तो एक बार हुआ, उसके बाद से मतलब ख़त्म हो गया, मेरा नाम नहीं आया। दूसरी बार जब चालू हुआ तो मैंने कहा कि बाबा मुझको भी क्या कहते हैं मेरा भी नाम आना चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ से मेरे यहाँ भी मूर्ति आए। तो जब आप यहीं से गिव अवे कर रही थी, मेरे पास बाबा ने क्या कहते मेरा नाम लिया और आपने मुझे बाबा का स्वरूप भेंट किया। मतलब सारे जो बाबा ने यही शेडी से सारे आपके काम कर, हाँ, यहीं से किए। और आज भी मैं 10 साल से परेशान थी जॉब के लिए, अभी रिसेंटली मेरा क्या कहते हैं वो आया है रिजल्ट, अभी एक पेपर क्वालिफाई हुआ है, सेकंड होना है। मैं बस बाबा से यही दुआ करने आई हूँ यहाँ कि बाबा मेरी जॉब लग जाए अगली बार जब मैं आऊँ यहाँ पे। क्या बात है। अभी आपके भाई की जो आपको भाई के टीवी था, जो डॉक्टर्स ने जवाब दिए थे, उदी उदी का चमत्कार है। उदी आप लोग अगर कभी भी कोई भी संकट हो, बाबा की उदी अगर आपके पास है, उसका इतना बड़ा क्या कहते हैं वो दवा से ज्यादा भी आपको क्या कहते हैं वो करती है, बिल्कुल राहत देती है, बहुत राहत, चमत्कारी उदी है, बहुत चमत्कारी। और मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहूंगी, 2019 से पहले की जो लाइफ थी आपकी? नहीं, 2019 से पहले मैं, मुझे लगता ही नहीं था कि हम लोगों के अंदर सुधार होगा। बाबा मेरे साक्षात घर आए, मैं शनिवार का व्रत रहती थी, तो एक व्यक्ति थे जो हमने कभी नहीं देखा था, वो बुजुर्ग थे और छोटे कद के थे, आए वो मेरे घर, ये मेरी सिस्टर दोनों थी। तो ये कहने लगी, वो आए, वो सब कुछ बताने लगे, तुम्हारे घर में तुम लोग 3 भाई 3 बहन हो, और सारे कंडीशन उन्होंने बता दिए घर की, क्योंकि थोड़ी कंडीशन भी खराब थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम कभी शिरडी गई हो? जब मैं शिरडी होके ही गई थी यहाँ से, तो मैं यही कह रही हूँ कि हमारे एरिया में कोई नहीं जानता साईं बाबा को, ये कैसे जानते कि मैं शिरडी गई हूँ? तो मैंने कहा हाँ बाबा मैं शिरडी गई हूँ। बोले कि मुझे कुछ खिला सकती हो? तो मैंने कहा बोलिए आप। पहले मुझे लगा कि शायद कोई ऐसे आ जाते हैं जो मतलब लूटने खाने वाले, तो मेरे मन में ये शंका आया। फिर एक दुपट्टा ओढ़ी थी मैं, ऐसे मतलब पुराना था, तो मुझसे कह रहे मैं अगर तुमसे कुछ मांगूंगा तुम दोगी? मैंने कहा बिल्कुल बाबा, देने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। मुझसे कह रहे हैं ये चुनरी मुझको दे दो। तो मैंने कहा कि बाबा इसकी जगह मैं अगर आपको दूसरी दूँ तो आप ले लेंगे? बोलते नहीं मुझे यही वाली चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैंने उनको वो चुनरी दे दी। फिर उन्होंने मुझको बताया कि बेटा कभी भी अपनी क्या कहते हैं नज़र बाहर मत उतारवाया करो, और तुम्हारे ऊपर बहुत तगड़ी नज़र लगी हुई। उन्होंने मेरी माँ से कहा आप अपनी मंदिर में धूप धूप बत्ती जलाइए और उसकी उदी जो है मुझे दीजिए। तो मम्मी हमारी क्या कहते हैं उस समय इतनी, वो हमारी मम्मी पूजा पाठ पे ज़्यादा वो नहीं करती, तो उनसे क्या कह रहे हैं तुमसे तो भगवान हारे हैं, बाबा ही बोल रहे हैं, और हम लोग अभी ये कह रही है
मेरी सिस्टर बोले कि इनसे पूछा बहन कितने हैं, तो कहे तुम मुझसे वो मेरा क्या कहते हैं परीक्षा ले रही हो, तो ये भी थी। तो इसने कहा नहीं हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं बताइए हमारी लाइफ। उस समय हमारी लाइफ बहुत बेकार थी, हमें लग नहीं रहा था, हमें हमारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब से हम बाबा हमारी जिंदगी में आए हैं और बाबा ने हमको क्या कहते हैं रास्ता दिखाया, रोशनी आ गई हमारी जिंदगी में। हम तो कहते जैसे बाबा ने हमको अंधेरे से उजाले में लाया, वैसे पूरी दुनिया को बाबा अपने चरणों में ले आके सबके जीवन को उज्ज्वल कर बनाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा महापारायण में जुड़े, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप साईं पारायण करिए और बाबा का जाप करिए, बाबा आपको हर मुसीबत से आपको क्या कहते हैं राह दिखाएंगे। बोलिए ओम साईं राम। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, उदी पर भरोसा रखें और महापारायण ज़रूर ज्वाइन करें। ये महापारायण का एक्सपीरियंस है, जब से इन्होंने महापारायण ज्वाइन किया साई सच्चरित का अध्ययन किया जाता है। दो चैप्टर्स मिलते हैं ट्यूसडे को और थर्सडे को, आपको पढ़ना रहता है। और लोगों की जिंदगियां चेंज हुई है, 6 लाख से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 6 लाख से ज्यादा साई भक्त जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़े और साई बाबा की उदी पर विश्वास रखें। सबसे बड़ा डॉक्टर है हमारा साई और उसकी उदी हर एक बीमारी में। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू करने जा रहे हो, हर जगह सिलेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ बाबा की उदी लगा रहे हैं तो उदी निकल। अभी रिसेंटली जब हम आए हैं हमारी टिकट नहीं कंफर्म थी दीदी, समझ लीजिए सिर्फ एक टिकट कंफर्म थी और हम सब लोगों की वेटिंग में थी। अब हम लोग कह रहे हैं 4 घंटे लेट थी हम लोग ट्रेन इलाहाबाद से, हम लोग कह रहे हैं हम कैसे जाएंगे, टीटी परेशान न करे, बाबा लेके आए हैं छोटे से हैं द्वारका माई। अब उनसे हम कह रहे हैं देखो आप हमको ना लेके तो चल रहे हैं, हमें कोई परेशान नहीं करे। अब ये कह रहे हैं अगर कोई आएगा कि टिकट तो हम यही दिखा देंगे ये है टिकट। और जब वो आए तो इसने कहा कि टिकट दिखाओ, कहे वो है टिकट बैठा लेते हम। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं जाइए, देखिए इतना अच्छा, मतलब हम इतनी अच्छी तरीके से आ गए, हमारी टिकट भी कंफर्म नहीं थी, बढ़िया हमको सीट वगैरह सब कुछ मिल गई। तो वही है बाबा चाहते हैं तभी आते हैं। जैसा भाव राज जी जिनका वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो कैसा लगा ये बाबा की लीला का गुणगान, कैसा लगा? जिनको भी अच्छा लगा है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर घर साईं घर घर साईं, हमारे बाबा पूरे विश्व में, हमारे बाबा का स्वरूप हर घर में हो। ओम साईं राम, जय साईं राम।